तमाम चुनाव आते हैं और चुनावों में नेता आपके घर आते हैं वोटें मांगने के लिए और तमाम वादे करते हैं, परंतु कैथल में जब चुनाव आया तो सुरभि सरकार ने एक वादा किया कि कैथल को चार चांद लगाने के वादे और सुंदरता बढ़ाने की बात की गई थी, उन वादों पर ही खरी उतरती हुई नज़र आ रही है सुरभिगढ़। क्योंकि फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो रेलवे गेट है, जो पुरानी धरोहर हुआ करती थी कैथल की, जो 8 गेट हुआ करते थे, उसका जीर्णोद्धार शुरू हो चुका है और लगभग 8 गेटों को दोबारा से बनाया जाएगा। फिलहाल जो आज रेलवे गेट बनकर तैयार हो चुका है, लगभग 15 लाख की लागत से यह रेलवे गेट बनकर तैयार है और आज उसका उद्घाटन सुरभिगढ़ और विधायक लीला राम के द्वारा किया गया। हमारे साथ सुरभिगढ़ के जो प्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस प्रकार देखते हैं और आगे भी क्या कैथल में इस प्रकार के विकास कार्य जारी रहेंगे। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुमित जी, आज रेलवे गेट का उद्घाटन किया गया है, तो क्या आगे भी इस प्रकार की और सौगातें मिलने वाली है? कहते ठीक है, ये तो एक शुरुआत है जी। और मैं जैसे आपको पहले बताया था कि शहर के स्वर्णिम विकास के लिए नगर परिषद प्रयासरत है और रहेगी भी, और उसके परिणाम आपके सामने, और वह परिणाम आने शुरू भी हो गए जी। और क्या कुछ सौगातें हो सकती है आने वाले समय? देखिए, अभी आप आज शाम को अगर आप अम्बाला रोड पर जाएंगे तो आपको नज़ारा अलग ही मिलेगा जी। और ट्राई कलर स्लाइड अपने पेवा चौक से विश्वकर्मा चौक तक लगी है और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हर प्रयास जारी है जी। लगभग क्या कुछ प्रारूप आगे तैयार किया गया है? आगे तो भी आपको जो अगला गेट कोटी गेट शुरू हो जाएगा और इसी टाइप में जो भी है फारिक अपने चलते जाएंगे और अपने सारे काम धीरे धीरे अपने चलते जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 8 गेटों का जीर्णोद्धार शुरू हो चुका है और अगर बात करें तो रेलवे गेट बनकर पूरा तैयार हो चुका है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या कुछ सुरभिगढ़ का कहना है और विधायक लीला राम भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आइए दिखाते हैं। जैसे कि हमने अपना आ रही हाउस मीटिंग में हमारे 8 गेटों को पास किया था कि हम एक एक गेट करके सभी 8 गेट बनवाएंगे। ये हमारा पहला गेट है रेलवे गेट और ये शायद ऐतिहासिक शहर है हमारा, जहाँ ऐतिहासिक धरोहर है जिसे हमें सहज के रखना है। जैसे अजमेर में दरगाह शरीफ, आगरा में ताजमहल और हमारे कैथल में शायद ये 7-8 गेट हमारी धरोहर है। तो अगला कौन सा गेट जल्दी शुभारंभ होने वाला है? कोटी गेट का शुभारंभ होने जा रहा है, सीवन गेट, प्रताप गेट, धीरे धीरे सभी गेटों का शुभारंभ होने जा रहा है बहुत ही जल्दी। तो जिस कितनी लागत आई है आज जो शुभारंभ किया गया और कितनी कहां कहां से पत्थर लगवाए जा रहे हैं? 15 लाख के लगभग हमारी इस गेट के लिए लागत आई है। इसके लिए हमने टेंडर दिया था, टेंडर की आपको पता ही है एक ऑनलाइन टेंडर भरे जाते हैं, इसकी एक प्रक्रिया है जो इसी प्रक्रिया के आधार पर हमने ये टेंडर दिया था। तो कैथल के मुख्य गेट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कैथल का प्राचीन इतिहास है बावड़ी, उसकी तरफ आज तक किसी प्रशासन में ध्यान नहीं जा रहा। हम आपको हमारा पूरा प्रयास है, हम दर बदर सभी ही जगह जीर्णोद्धार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कैथल पे चार चांद लगा दें। आपके वार्ड में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, चेयरपर्सन सुरभिगढ़ द्वारा क्या करना चाहिए? ये हमारे वार्ड और पूरे शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो 8 गेटों को पहले सरकारें भूल गई थी, इस बार इस सरकार ने, सुरभि सरकार ने इन गेटों को दोबारा से ही शुभारंभ करवाया। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह लगातार सभी पार्षदों को बराबर ग्रांट बांटी जा रही है, कैसे विकास कार्य करवाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी जो हाउस की मीटिंग होती है उसके अंदर भी जो फैसले लिए जाते हैं वो 31 पार्षदों चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में लिए जाते हैं और जो ग्रांट बांटी जा रही है हमारे कैथल शहर को वो भी हर वार्ड के अंदर समान रूप से दी जा रही है। ये कभी जब कैथल शहर की स्थापना हुई थी तब का पुराना गेट था, रेलवे गेट के नाम से मशहूर था और ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था। हमारी चेयरपर्सन सुरभि जी ने और इनकी टीम ने ये बीड़ा उठाया कि हम शहर के 8 गेट हैं, 8 गेटों को नए सिरे से बनाने का, चमकाने का काम करेंगे और आज इसमें ये पहला गेट है जिस पर 15 लाख के लगभग कीमत आई है, इसको ये बनकर के तैयार हुआ है, आज इसका उद्घाटन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ शहरवासियों को कि 8 के 8 गेट बना करके तैयार करेंगे और इस पर विकास कार्य आगे होने वाले हैं। आप दिन रात विकास कार्यों की तो बात करें, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था है, चाहे सीवरेज की है, अब सरकार ने मोटे तौर पर इस पर ग्रांट भेजने का काम किया है। सरकार का एक सोच है कि हर घर में नल और उसमें जल होना चाहिए। अब इस बजट के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पर पब्लिक हेल्थ के द्वारा लगाए गए ट्यूबवेल या नहरी बेस का पानी नहीं पहुंचा होगा, एक भी घर ऐसा अछूता नहीं रहेगा। ये बात को कल भी हमने कही थी कि वो बड़ा प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार से काफ़ी उसकी फॉर्मेलिटीज लेनी होती है, पूरी करवानी होती है,
हमें उम्मीद है अभी अप्रैल मई में उस पर काम शुरू हो जाएगा। आज हमारे यहाँ जो गेट बना है नी, पूरे शहर के अंदर पूरी धूम मची हुई है कि अभी सुरभि गर्ग ने जो ये गेट बनाया है ना भाई, बहुत सराहनीय है और पूरे शहर के अंदर पूरा शोर मच रहा है इसका कि अभी जो रेलवे गेट है, एक तो खेड़ा भी है ये और खेड़े के हिसाब से और जो शोभा बढ़ी है ना इस गेट की, बहुत सराहनीय है इस चीज़ की। तो हम बधाई देते हैं सुरभि गर्ग जी को, हमारे विधायक जी को, कि हमारे MC साहब खड़े हैं इनको भी, कभी इन्होंने जो कार्य किया आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया। सुरभि ने चुनाव में कुछ वादे किए, उन वादों पर कितना खरा उतर रही हैं? कुछ हो रहे हैं और कुछ हो भी जाएंगे।